Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. I am Mohammad Farooq Yasin from Government Degree College, Maleed, Kent. Government of Sindh Education and Literacy Department ने इस वक्त ऑनलाइन लेक्चर्स का निकात किया ताकि इस जो क्रूशल टाइम में कोरोना वायरस की वजह से जो इस वक्त बेसिकली लॉकडाउन चल रहा है वो स्टूडेंट्स जो घर में मौजूद हैं वो आखिर किस तरीके से अपनी तैयारी करें. तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का इनका किया गया है. तो मैं इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर फिजिक्स और सेकेंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करूँगा ताकि आपके जो भी मसले मसाइल हैं उनको जल्दी से हम सॉल्व कर सकें. अच्छा जी, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स डायमेंशन, जो कि एक काफ़ी अहम टॉपिक है. पेपर में सम टाइम यहाँ से एमसीक्यूज या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए, डायमेंशंस को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. फिजिकल क्वांटिटीज क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 2 था आपके पास, अगर आपको याद हो मेजरमेंट का, वहां पे आपने पढ़ा था. फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं, जिन्हें आप नाप सकते हैं. दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजरेबल इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यानी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी यूनिट होती है, और अगर उसकी यूनिट होती है तो उसकी डायमेंशन भी होगी. तो इसी तरीके से नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं, वो क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर, जिन्हें हम नाप नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग्स, गम, खुशी, दुख, दर्द. फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बट फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, जैसे आपका इवन ग्रेड आ जाता है, आपकी 80% हो, मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा आप कितने खुश हैं, तो आप कहेंगे सर मुझे 8 किलो खुशी है क्योंकि मेरी 80% आई है. देखिए, इस तरह की वर्डिंग्स हम यूज नहीं करते. फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस तो कर सकते हैं बट फीलिंग्स को हम मेजर नहीं कर सकते. सो दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजरेबल इज नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग्स. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर लेक्चर. डायमेंशन है क्या? द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज सच एज मास, लेंथ एंड टाइम. इन शॉर्ट या आसान लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को m, m फॉर मास, l, l फॉर लेंथ, t, t फॉर टाइम इज नोन एज डायमेंशन. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को m, l और t की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना डायमेंशन कहलाता है. हालांकि डायमेंशन का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, Vf इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, या एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इन इक्वेशंस को, इन फॉर्मुलों को चेक करने के लिए कि आया के फॉर्मूले सही हैं या गलत हैं, हम सहारा लेते हैं किसका? डायमेंशन का. तो डायमेंशन की मदद से फिजिक्स के जो जितने फॉर्मूले होते हैं, जितनी इक्वेशंस होती हैं, जो एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको हम वेरीफाई भी करते हैं, उन्हें हम चेक भी करते हैं कि आया के वो सही हैं या आया के वो गलत हैं. ठीक है, अच्छा जी, टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अब आपको सामने यहाँ दिखाई दे रही हैं कुछ क्वांटिटीज. देखें, डायमेंशन निकालने के लिए 2 बातें. नंबर 1, जिस क्वांटिटी की आपने डायमेंशन फाइंड करनी है उस क्वांटिटी का या तो आपको पता हो फॉर्मूला या फिर आपको पता हो उसकी यूनिट, तो आप बआसानी उसके डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं. लेकिन डायमेंशन मैंने आपसे बोला सिर्फ 3 लिखी आएंगी. कैपिटल एम शो करेगा मास को, कैपिटल एल शो करेगा लेंथ को, कैपिटल टी शो करेगा टाइम को. अब फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है पहली क्वांटिटी डिस्टेंस. डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर. मीटर कैसे शो कर रहा है? लेंथ को. इसकी डायमेंशन क्या आ गई? कैपिटल एल. अगली बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट. इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. तो ये भी शो करता है लेंथ को, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? कैपिटल एल आ जाएगी. अगर 2 क्वांटिटीज की यूनिट सेम हो तो दोनों के डायमेंशन भी सेम आ सकती है. अब अगला देखें आप, एरिया.
क्या की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया की यूनिट क्या आ रही है, मीटर स्क्वायर आ रही है। मीटर स्क्वायर शो करें लेंथ को, तो उसकी डायमेंशन क्या आएगी, एल स्क्वायर आ जाएगी। स्पीड मीटर पर सेकंड, मीटर शो करता है लेंथ को तो क्या आएगा एल, सेकंड शो करता है टाइम को तो क्या आएगा टी, ठीक है। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, एल ओवर टी, जिसको हम एल टी इनवर्स भी कह सकते हैं। वेलोसिटी की बात करते हैं मीटर पर सेकंड, तो मीटर लेंथ एल आ जाएगा, सेकंड टी टाइम आ जाएगा। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, इसलिए दोनों की डायमेंशन भी क्या आ रही है आपके पास, सेम आ रही है, ठीक है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सलरेशन, एक्सलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर शो करता है लेंथ को तो एल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर शो करता है टाइम को तो क्या आएगा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो डायमेंशन क्या कहलाएगी इसकी, एल ओवर टी स्क्वायर या एल टी माइनस टी। एक चीज याद रखिएगा, डायमेंशन कभी भी रट्टा नहीं मारी जाती, इसको समझा जाता है। फोर्स, अब फोर्स की यूनिट है न्यूटन, न्यूटन से डायमेंशन निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसका फॉर्मूला क्या आपके पास, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, एम शो कर रहा है मास को तो क्या आएगा एम आएगा, और एक्सलेशन की डायमेंशन हम पीछे निकाल चुके हैं एल टी माइनस टू। तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है, बट इसकी डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वांटिटी वर्क, वर्क टॉर्क एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इन सब की यूनिट आपस में इक्वल होती है। जैसे वर्क यूनिट न्यूटन भी होती है, अगर जैसे न्यूटन मीटर जूल भी लिखी जाती है, टॉर्क यूनिट न्यूटन मीटर लिखी जाती है, बट एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब एनर्जी भले आपके पास काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, या जियो थर्मल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, एनर्जी की कोई भी टाइप क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए, फिर इन सब की जो आपके पास डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। खैर, हम लिखते हैं वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला क्या, एफ डॉट टी, फोर्स की डायमेंशन हम पीछे निकाल चुके हैं क्या, एम एल टी माइनस टू, तो मिल गया एम एल टी माइनस टू आ गया, जिसके जगह आ गया एल आ गया, एम एस ही आ जाएगा, एल एल जा एल स्क्वायर और टी माइनस टू आ जाएगा। तो वर्क टॉर्क एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या कहलाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कहलाएगी। अब बात करते हैं पावर की, पावर का फॉर्मूला क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क पी इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टाइम की क्या आ गई टी आ गई, अब ये प्लस का डी था ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा, तो टी माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस का थ्री हो जाएगा। तो पावर की डायमेंशन आपके पास होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। जना बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, देखिए मैंने अभी आपसे कहा था वर्क टॉर्क एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इन सब की डायमेंशन सेम थी, अब एनर्जी की कोई भी फॉर्म क्यों ना हो सबकी डायमेंशन क्या आएगी, सेम आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का देखिए फॉर्मूला डिफरेंट है, बट जब मैं इस फॉर्मूले से डायमेंशन निकालूंगा तो ये ही आंसर वही आएगा जो प्रीवियसली हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम जी एच होता है, मास की जगह क्या आ गया एम आ गया, जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एल टी माइनस टू, और हाइट की जगह क्या आ गया एल आ गया, तो यह आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आप नोट करें पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन क्या आ रही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वही डायमेंशन भी एज इट इज वैसी है जो अभी हम पहले वर्क की निकाल चुके हैं, ठीक है, क्लियर। मैंने आपसे कहा था डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला या यूनिट में से कोई एक बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही थी कि अगर दो क्वांटिटीज की यूनिट सेम हो तो उनके डायमेंशन भी सेम आएगी, ठीक है। जनाब प्रेशर, स्ट्रेस, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का फॉर्मूला एम ए, ए फॉर एरिया, मास एम आ जाएगा, एक्सप्रेशन एल टी माइनस टू आ जाएगा। अच्छा है, गलती से स्मॉल ए से कैपिटल ए कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये स्मॉल ए जो है ये शो कर रहा है एक्सलेशन को, और जो कैपिटल ए है ये शो किसको कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके पास सिंपल एरिया को, एरिया की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। अभी एक एल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एम एस ही आ जाएगा, तो सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा, मैं बैक करता हूँ, देखिए एम एस ही आ जाएगा, एक स्क्वायर से एल कैंसिल हो गया तो एल की पावर माइनस वन और टी माइनस टू एस ही आ जाएगा। अगला फोर्स कॉन्स्टेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर एट वेट मोशन एंड साउंड, वहां पे एक फॉर्मूला आया था अगर आपको याद हो, हुक्स लॉ का, स्प्रिंग मास सिस्टम की डायरेक्शन थी एफ इक्वल टू, अगर याद हो आपको के एक्स, तो उसमें जो के था ये
अगर याद हो उसको हुक कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। फोर्स की डायमेंशन आपको दी हुई एम एल टी माइनस टू, एक्स के बजाय क्या आएगा एल आएगा, एल से एल आपको हट दें तो क्या बचेगा एम टी माइनस टू बचेगा। अगला स्ट्रेन, चेंज ऑफ लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो एक्चुअली क्या रेशियो है, याद रखिएगा रेशियो की डायमेंशन नहीं होती, रेशियो की ना तो यूनिट होती है और ना ही उसकी डायमेंशन होती है, तो उसका आंसर होता है डायमेंशन लेस या उसका आंसर होता है वन। तो एल अपॉन एल, एल से एल कट जाएगा तो क्या बचेगा वन बचेगा। पावर ऑफ लेंस, अब पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायोप्टर, तो हमने क्या किया रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, तो पी बराबर है वन बाय एस के, वन एस ही आ जाएगा, एफ शो कर रहा है फोकल लेंथ को यानी शो कर रहा है लेंथ को, तो क्या आएगा एल आएगा वन बाय एल हो जाएगा। वेव लेंथ यूनिट क्या होगी मीटर, तो उसके बजाय भी क्या आ जाएगा आपके पास एल ही आ जाएगा। बट अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं इंशाल्लाह ताला वो आपको सॉल्व कर दूंगा, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो उसको हम दूर कर सकते हैं। जनाब फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी यूनिट है हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड, बट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो वन ऐसे आ जाएगा, टाइम पीरियड को हम शो करते हैं टी से तो टी आ जाएगा, टी ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस वन, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है टी माइनस वन। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, यूनिट क्या है इसकी सेंटीमीटर, ठीक है मीटर सेंटीमीटर यानी कि लेंथ, यहाँ पे भी क्या आएगा एल आएगा। अच्छा यहाँ तक 17 जो आपने सॉल्व किए सब आपके पास लीनियर क्वांटिटीज थी, अब हम आगे जो पढ़ेंगे ये आपके पास क्या है एंगुलर क्वांटिटीज। एंगुलर क्वांटिटीज से मुराद क्या है, जब कोई बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करे किसी भी सर्कुलर पाथ में किसी भी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री के अंदर, अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब जो वेलोसिटी होगी इसको बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, अब जो एक्सलेशन होगा उसको बोलेंगे एंगुलर एक्सलेशन, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सवाल आता है राइट द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, उसकी डायमेंशन क्या होगी एल होगी, बट यहाँ पे आपसे डायमेंशन पूछ रहा है एंगुलर की तो ये डायमेंशन लेस होता है। कैसे, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 अगर आपको याद हो मोशन इन टू डायमेंशन, वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन मौजूद थी अगर आपको याद हो फॉर्मूला भी, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते थे थीटा से, थीटा फॉर्मूला था एस इक्वल टू आर थीटा, सो थीटा इक्वल टू एस ओवर आर। इसके अलावा फर्स्ट ईयर मैथ्स के जो बच्चे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूला यूज किया जाता है आर्क लेंथ के नाम से, एस शो करता है डिस्टेंस को यानी इसको हम कहते हैं वैसे आर्क लेंथ, यानी लेंथ हुई तो एल आ जाएगा, आर शो कर रहा है रेडियस तो उसकी भी डायमेंशन क्या कहलाएगी एल कहलाएगी, एल से एल कट गया तो क्या बचेगा वन। तो मैंने आपसे कहा था जो इन क्वांटिटीज की डायमेंशन नहीं होती उनकी जगह हम लिखते हैं डायमेंशन लेस या लिखा जाता है वन। तो मैंने आपसे कहा था दो बातें याद रखिएगा, नंबर वन रेशोस की डायमेंशन नहीं होती और नंबर टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट इनकी भी डायमेंशन नहीं होती। अच्छा भाई एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम शो करते हैं ओमेगा से, ओमेगा इक्वल टू थीटा ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, तो थीटा तो डायमेंशन लेस था वहां क्या आ गया वन आ गया, टाइम भी देखिए आएगा टी आएगा, तो वन बाय टी या उसको हम कह सकते हैं टी इनवर्स। एंगुलर एक्सलेशन इसको शो करते हैं हम अल्फा से, अल्फा इक्वल टू ओमेगा बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सलेशन। ओमेगा की अगर आपको याद हो डायमेंशन अभी आपने निकाली थी टी माइनस वन, टी की बजाय टी आ जाएगा, ये टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन, तो टी माइनस वन टी माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगा, तो एंगुलर एक्सलेशन की डायमेंशन होती है टी माइनस टू। जनाब एंगुलर मोमेंटम इसको शो करते हैं हम एल से, इसका फॉर्मूला था एम वी आर, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 में टॉपिक दिया हुआ है, एम शो करता है मास को तो क्या आएगा आप एम आ जाएगा, वेलोसिटी एल, वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन और आर का क्या होता है एल होता है, तो एल एल से मिलाई होगी एल स्क्वायर हो जाएगा टी माइनस वन ऐसे आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है जी। लीनियर डेंसिटी, देखिए एक होता है डेंसिटी वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, तो डिफरेंस याद रखिएगा लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास के बजाय एम आ गया लेंथ के बजाय एल आ गया एम ओवर एल हो गया या एम एल माइनस वन भी लिखा जा सकता है। मैग्निफिकेशन,
The ratio between height of image and height of object is known as magnification, which is also known as linear magnification. तो इसका फॉर्मूला एच आई ओवर एच ओ भी लिखा जाता है और क्यू अपॉन पी भी लिखा जाता है. क्यू शो करता है इमेज डिस्टेंस को, पी शो करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को. तो क्यू के बजाय क्या आएगा एल और पी के बजाय क्या आएगा एल. एल अपॉन एल क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेशियो है तो इसकी भी याद होगा यूनिट नहीं होती और ना ही इसकी डायमेंशन होती है. एंगल डायमेंशन लेस, मैंने आपसे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक डायमेंशन लेस होते हैं, तो फाइनल रिजल्ट एंगल डायमेंशन लेस ही होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसके तीन प्रैक्टिकल हैं अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर आपके जहन में हो तो. फर्स्ट ईयर फिजिक्स में तीन प्रैक्टिकल हैं. एक तो आप निकालते हैं डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब बाय यूजिंग रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ मेथड. दूसरा प्रैक्टिकल प्रिज्म का, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय यूजिंग क्रिटिकल एंगल मेथड. और तीसरा था वाटर वाला, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग वन पिन मेथड. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मुख्तलिफ फॉर्मूले हैं, बट वो फॉर्मूला जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या उसे हम कहते हैं स्नेल लॉ, जो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर. अब तो मैं आपसे कह चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं, तो साइन एंगल आई क्या हो जाएगा वन, साइन एंगल आर भी क्या होगा वन, तो ये भी क्या आएगा डायमेंशन लेस. ठीक है, बट आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. अब मैं मजीद लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करते आऊँगा, इसके अलावा और भी प्रोफेसर के लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड होंगे. तो आप इस फैसिलिटी से जो सिम एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लासेस, इससे मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा हासिल करें और लाजमी तौर पर इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.